नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। आज की खबरें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इस समय स्पेन को लेकर, बहरीन को लेकर, इसके अलावा यूरोपियन देशों को लेकर जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कई सारे देशों के बारे में, इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में पता लगने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है एतिहाद एयरवेज को लेकर। आपको बता दें कि एतिहाद एयरवेज भारत के 3 शहरों से अपनी फ्लाइटों को शुरू कर रहा है और ये सभी की सभी फ्लाइटें आज से शुरू की जा रही है। यदि आप इस समय भारत में हैं और यूएई जाने के पास आपके पास वीजा है तो अब आप एतिहाद एयरवेज की इन उड़ानों से ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि यूएई की गवर्नमेंट ने भारत से अपनी उड़ानों को 5 अगस्त से चालू कर दिया है, लेकिन इन उड़ानों से केवल कुछ लिमिटेड कैटेगरी के लोग ही इस समय ट्रैवल करके जा सकते हैं। यदि आप इन लिमिटेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपके पास GDRF है या फिर ICA का अप्रूवल है तो अब आप एतिहाद एयरवेज की इन उड़ानों से ट्रैवल करके जा सकते हैं। एतिहाद एयरवेज के अलावा भारत की भी कई एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि यहां पर इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया की रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी फ्लाइटें भारत के अलग अलग शहरों से ऑपरेट की जा रही हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ऐसे सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग यूके के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया था कि यूके की गवर्नमेंट अब 8 अगस्त से बिना क्वारंटीन के अब आप सभी लोगों को आने की अनुमति दे रही है, लेकिन शर्त यह है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो अब आप यूके में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को अवॉइड करके 10 दिन का होम क्वारंटीन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दें कि 10 दिन होम क्वारंटीन को भी 5 दिन में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर 5वें दिन आपको फिर दोबारा से एक और कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा और 5वें दिन यदि आपका कोरोना वायरस का टेस्ट नेगेटिव आएगा तो उसके बाद आपका होम क्वारंटीन भी ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग यूके के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं उनको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यूके में जाने के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट कराना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बता दें कि यूके ने भारत को रेड लिस्ट में काफ़ी लंबे समय तक रखा हुआ था और 8 अगस्त के बाद यूके की गवर्नमेंट भारत को रेड लिस्ट से हटाकर एम्बर लिस्ट की कैटेगरी में डाल रही है। यही कारण है कि इस समय सभी लोग बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करके जा सकेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर यूएई में क्वारंटीन को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि यूएई में जो लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जानकारी शेयर करी है कि सभी लोगों का यूएई में जाने के बाद कंपलसरी 10 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो लोग यूएई ट्रैवल करके जाएंगे उनको यूएई के एयरपोर्ट से एक ट्रैकिंग बैंड दे दिया जाएगा और उस ट्रैकिंग बैंड के माध्यम से उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी जानकारी शेयर की गई है कि आपका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा जो कि 4थे दिन और 8वें दिन कोरोना वायरस का टेस्ट होगा और यदि आपका ये कोरोना वायरस का टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो आपका क्वारंटीन ख़त्म किया जा सकता है। इससे पहले यूएई की गवर्नमेंट ने भारत के साथ साथ और भी दुनिया के कई सारे देशों से अपनी फ्लाइटों को चालू कर दिया है, जिसमें शामिल है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया और युगांडा। इन सभी देशों से यूएई की गवर्नमेंट ने 5 अगस्त से अपनी फ्लाइटों को चालू किया हुआ है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत में नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि पार्लियामेंट की कमेटी ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइटों को नॉर्मल बेसिस पर चालू किया जाए। यहाँ पर भारत सरकार ने शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइटों को पिछले एक साल से बंद किया हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर पार्लियामेंट कमेटी का कहना है कि भारत सरकार को शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइटों को चालू करना चाहिए, खास करके ऐसे देशों से जहाँ पर कोरोना वायरस कम है या फिर कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी कम सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर भारत में पार्लियामेंट में लगातार चर्चा की जा रही है कि भारत में नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू किया जाना चाहिए, खास करके ऐसे देश जिनसे अभी तक फ़्लाइटें चालू नहीं की गई हैं, जिनमें शामिल है सऊदी अरेबिया, दुबई, और इसको लेकर यहाँ पर लगातार बड़े मीडिया चैनल्स में रिपोर्टिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने इसको लेकर जानकारी शेयर करी थी कि वो सऊदी अरेबिया से ड्राफ्ट एग्रीमेंट को लेकर तैयारी कर रहा है और बहुत ही जल्दी दोनों देशों के बीच में एयर बबल्स के तहत उड़ानें चालू की जा सकती है। हालांकि इसके बाद इसको लेकर ज़्यादा अपडेट सामने नहीं आया है कि भारत सरकार सऊदी अरब से अपनी उड़ानों को कब से चालू कर सकता है। हाँ, लेकिन इतनी ज़रूर खबर सामने आई है कि दोनों देश आपस में एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू करने की तैयारी कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर यहाँ पर एयर कनाडा से आ रही है। एयर कनाडा यहाँ पर यूके से डायरेक्ट फ्लाइटों को चालू कर रहा है। ये फ्लाइट जो है सप्ताह में 3 दिन रहने वाली है। इसके साथ साथ एयर कनाडा इन फ्लाइटों को 17 अगस्त से सप्ताह में 6 दिन ऑपरेट करना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि यूके और कनाडा के बीच में यदि आप ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एयर कनाडा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहां पर भारत से वीज़ा को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत में BFS ग्लोबल ने अपनी लगभग सभी ऑफिसेस को चालू कर दिया है। यदि आप इस समय ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, UAE, UK और US के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, इन सभी देशों के लिए वीज़ा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो अब BFS ग्लोबल ने इन सभी देशों के लिए वीज़ा की सर्विस को शुरू कर दिया है, जहां पर खास करके स्टूडेंट्स लोगों के लिए वीज़ा मिलना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कनाडा को लेकर यहाँ पर लगातार BFS ग्लोबल के माध्यम से खबर सामने आ रही है कि बहुत सारे कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा की सर्विस शुरू की गई है और जो लोग भी कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर वीज़ा मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप ऊपर बताए गए इन सभी देशों में भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक बार आप BFS ग्लोबल से संपर्क कर सकते हैं। BFS ग्लोबल ने अपनी लगभग सभी ऑफिसेज को फिर दोबारा से जुलाई महीने से चालू कर दिया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर बहरीन को लेकर आ रही है। बहरीन से उम्मीद थी कि वो भारत से अपनी नॉर्मल फ्लाइटों को चालू करेगा और भारत को रेड लिस्ट से हटा देगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी बहरीन से अच्छी खबर सामने नहीं आई है और इसके साथ साथ बहरीन ने और भी देशों को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। यानी कि जो लोग बहरीन के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे थे कि बहरीन में वो सभी लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं, तो फिलहाल के लिए इन सभी लोगों को और लंबे समय के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि बहरीन की गवर्नमेंट ने इस समय भारत के साथ साथ और भी दुनिया के कई सारे देशों को रेड लिस्ट में रखा हुआ है। जिन देशों से लोग इस समय ट्रैवल करके बहरीन में नहीं जा सकते हैं, जिनमें शामिल है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ईरान, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इराक, इसके अलावा और भी दुनिया के कई सारे देश इस लिस्ट में शामिल हैं। इन सभी देशों के अलावा 3 और देशों को शामिल कर लिया गया है, जो कि 12 अगस्त से ये नया नियम लागू हो जाएगा। फ्रेंड्स अगली अपडेट यहां पर भारत के नए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया को लेकर आ रही है। ज्योतिराज सिंधिया ने यहां पर जानकारी दी है। उन्होंने फिर दोबारा से अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी एडवाइजरी कमेटी के साथ मीटिंग करी है और ये मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही है। आपको बता दें कि एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने 3 एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है और इन एडवाइजरी कमेटी में एविएशन के कई बड़े एक्सपर्ट को शामिल किया गया है, जिनमें इंडिगो के CEO और इसके अलावा स्पाइसजेट, गो एयर, इन सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों के कई बड़े अधिकारियों को इस कमेटी में रखा गया है। और इसको लेकर ही एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इन सभी से जो मीटिंग की गई है वो काफ़ी अच्छी मीटिंग रही है और आगे आने वाले समय में इसका असर देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आज की इन खबरों में फिलहाल इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।